नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवरी न्यूज़ में। और दोस्तों, RO की वैकेंसी आने वाली है और उनकी प्रिपरेशन चल रही है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स, GS, इंग्लिश सभी चीज़ों के फ्री लेसन दे रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। और दोस्तों, हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि मई 10 से पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का ARO में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको मुझे पता है इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 63वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2018। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिल्म फेयर अवार्ड जो मिले हैं 2018 के, उनका जिक्र करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही थी फिल्म फेयर अवार्ड में, वो रही थी हिंदी मीडियम, और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे थे वो रहे थे इरफान खान, जिनको हिंदी मीडियम के लिए ही जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में विद्या बालन का नाम शुमार हुआ था, जिन्हें तुम्हारी शुरू नामक फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। बड़ी प्यारी फिल्म थी, शायद आपने देखी हो। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे थे अश्विनी अय्यर तिवारी बरेली की बर्फी के लिए। दोस्तों, ये जो फिल्में हैं तीनों की तीनों, वाकई ही बहुत शानदार हैं। अगर आपने ये तीनों फिल्में नहीं देखी हैं तो आप एक बार ज़रूर देखें, चाहे बरेली की बर्फी हो, चाहे तुम्हारी सुलू हो, चाहे हिंदी मीडियम हो। तीनों की तीनों फिल्मों में एक अलग ही बात थी, एक अलग ही जोनल की एक्टिंग थी, और एक अलग ही जोनल की स्क्रिप्ट थी, और एक अलग ही जोनल की फिल्म थी। तीनों फिल्मों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था जनता को। और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म हिंदी मीडियम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विद्या बालन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें।